कृष्णा लॉ कॉलेज में आपका स्वागत है। हम LLB और BLLB का जो एक सब्जेक्ट है हमारा हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में भी हमारा द हिंदू माइनर एंड गार्जियनशिप 1956 के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको वो सब बता दिया है कि गार्जियन कौन होगा, कौन किसका गार्जियन होगा, कोई दत्तक होगा तो उसका गार्जियन कौन होगा, अधर्म जो शिशु होगा उसका गार्जियन कौन होगा, नेचुरल गार्जियन कौन होंगे, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आता है हमारा सेक्शन ए, नैसर्गिक संरक्षक की शक्ति। यानी कि जो संरक्षक रखा गया है एक विल के आधार पर या कोर्ट के आधार पर, कोर्ट ने अपने आदेश द्वारा किसी को भी रखा है एक माइनर के लिए, वो माइनर के लिए जिसने अपने 18 साल की जो आयु है वो कंप्लीट नहीं की है, उसके लिए वो जो माइनर के लिए जो रखा गया है संरक्षक, वो संरक्षक उसकी क्या क्या शक्तियां होगी, क्या क्या वो काम कर सकता है और क्या काम वो नहीं करेगा, वो हमें सेक्शन 8 में हमें ये बताया गया है कि जो भी संरक्षक होगा वो उसको क्या क्या शक्तियां प्राप्त होगी। और ये क्वेश्चन आता भी है हमारे पास कि एक जो नॉर्थ सैनिक जो हमारा संरक्षक होगा उसको उस माइनर की प्रॉपर्टी और उसके शरीर से रिलेटेड क्या क्या शक्तियां उसको प्राप्त होगी, उन शक्तियों के बारे में वर्णन कीजिए, उन शक्तियों का बताइए। सर्वप्रथम जो इसमें सेक्शन कहता है और जो सेक्शन कहता है वो है इस धारा के उपबंधन के अधीन यह है कि किसी हिंदू माइनर के बारे में बात हो रही है, नैसर्गिक साक्ष्य उन सब कार्यों करने की शक्ति रखता है जो एक जो वो माइनर बच्चा जो है जो वो रखता उसके फायदे के लिए या अप्रकृति की संपदा के आपन संरक्षक या फायदे के आवश्यक या युक्ति युक्त और उचित हो, किंतु संरक्षक किसी भी दशा में अप्रत्यय के व्यक्ति संविधान के लिए आबद्ध नहीं कर सकता। यानी कि जो वो गार्जन होगा जो अपॉइंट किया गया है या विल द्वारा रखा गया है या न्यायालय द्वारा रखा गया है, वो हर एक वो उसके हित के लिए, किसके हित के लिए, उस माइनर के हित के लिए हर एक काम करेगा। परंतु वो ऐसा कोई भी संविधान कोई ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा जो उस जो वो जो बच्चा है जिसकी जिसका वो संरक्षक है उसको किसी भी तरीके से आहित पहुंचे या उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, उस तरीके की कोई भी संविधा नहीं करेगा, सेक्शन 8 ये कह रहा है। अब इसका सेकेंड जो सब क्लोज है वो कहता है नैसर्गिक संरक्षक न्यायालय की पूर्ण अनुज्ञा के बिना, यानी कि अगर न्यायालय ने कहा है तो ठीक वो वर्क करेगा, अदरवाइज अगर जो अलग से करता है तो कोई भी संपत्ति उस माइनर की कोई भी संपत्ति अगर वो उसके फायदे के लिए ही किसी को भी देना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ वो 5 साल के लिए दे सकता है कि चलो उसके फायदे के लिए। ये ध्यान रखिएगा इसमें जो है उस संरक्षक को सिर्फ और सिर्फ ये देखना है उस माइनर के फायदे के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ वो 5 साल के लिए दे सकता है, कोई ऐसा अनुबंध कर सकता है। और यदि वो बच्चा यानी कि 17 साल का है, अगर वो बच्चा लड़का या लड़की जो भी है मेल या फीमेल, तो उसमें अगर वो बच्चा 18 साल का होने वाला है तो तब सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए लीज के पे या फिर किसी भी कोई भी संविधा वो तब कर पाएगा, अदरवाइज अगर जिसने कोई भी संविधा की गई होगी कोई भी लीज पे दी गई होगी कुछ भी किया होगा वो वर्बल यानी कि शून्यकरणी हो जाएगा उस माइनर द्वारा, जब वो माइनर मेजर हो जाएगा उसके द्वारा वो जो वर्क करेगा वो कोई भी संविधा करता है उस संविधा को वो मेजर होकर उस संविधा को क्या कर देगा, शून्यकरणी करा देगा। सेक्शन क्या कह रहा है, सेक्शन में एक बात और है वो ये कहता है कि जो संरक्षक होगा वो ना तो उसकी संपत्ति को ना तो वो लीज में देगा ना उसको किसी भी तरीके से बेचेगा ना कोई भी संविधा करेगा ना पट्टे पिटेगा, किसी भी तरीके का कोई भी वर्क नहीं करेगा वो जो संरक्षक होगा, किसकी संपत्ति का, माइनर की संपत्ति का।
और सेकंड कहता है ना ऐसी संपत्ति के किसी भाग का जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए तो वो दे सकता है अगर उसने संविदा कर लिया। लोन किसके लिए? उस माइनर के हित के लिए अगर जो करना पड़ रहा है तो तब करेगा वो, अदरवाइज वो नहीं करेगा। और कितने साल के लिए कर सकता है वो संविदा भी? 5 साल के लिए। और अगर वो बच्चा माइनर से मेजर होने लग रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए तो संविदा कर सकता है, अदरवाइज अगर उससे ज्यादा के लिए करता है तो वो मेजर द्वारा शून्य करनी करा दी जाएगी। ये इसमें कहा है। अब इसका सब क्लॉज थर्ड जो कहता है नागरिक संरक्षक के उपधारा वन में क्या था कि वो कोई भी ना तो संविदा करेगा ना ही वो पट्टे पे देगा, यानी बंधक भी नहीं, मोर्गेज भी नहीं करेगा, पट्टे पे भी नहीं देगा, ना उसको विक्रय करेगा, कोई भी किसी तरीके की कोई संविदा नहीं करेगा। ये तो फर्स्ट में कह दिया, सेकंड में ये कह दिया। और सब क्लॉज थर्ड क्या कहता है कि वो सब उपधारा वन और सेकंड के उल्लंघन किए गए स्थावर संपत्ति, यहाँ पर जो संपत्ति होगी वो स्थावर संपत्ति यानी कि अचल संपत्ति जो होगी उसके बारे में बात हो रही है। संपत्ति का कोई भी व्यवहार अप्राप्त व्यक्ति या उसके व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति की प्रेरणा पर शून्य करनी होगा, यानी कि अगर जो उसने ये पर कोई भी कराया होगा चाहे इसमें या इसमें तो वो शून्य करनी हो जाएगा। फोर्थ सब क्लॉज क्या कहता है इसका, यदि कोई न्यायालय नागरिक संरक्षक की उपधारा दो ये है हमारे में वही कार्य में से किसी को भी करने के लिए अनुमति देगा सिवाय उस दशा में जबकि उसकी आवश्यकता होगी अपरक्त व्यय को भलाई के लिए, यानी कि अगर ये वर्क भी करा, मैंने भी आपको ये बताया कि अगर वो ये वर्क करना भी चाहता है, किसी को लीज पे देना चाहता है, पट्टे पे देना चाहता है, किसी भी तरीके से देना चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस माइनर की हित के लिए होना चाहिए, अगर उसके अहित के लिए है तो वो ऐसी संविदा ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और सपोज फाइव क्या कहता है, उदाहरण दो के अधीन क्या है हमारा ये वाला मामला के अधीन न्यायालय के अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के आवेदन को या उसके बारे में संरक्षक अधिनियम 1890 सर्वदा ऐसे लागू होगा मानो आवेदन उस अधिनियम की धारा 29 के अधीन न्यायालय के अनुज्ञा परिवर्तन करने के लिए आवेदन हो या विशिष्ट हो। अब फाइव का ही पार्ट एक और है, आवेदन से संबंधित कार्यवाही उस अधिनियम के अधीन उस धारा 4 का के अर्थ के भीतर कार्यवाही समझी जाएगी, यानी कि अगर जो उसने इस तरीके का तो उसका जो उसके ऊपर जो कार्यवाही होगी वो जो होगी हमारी इसी धारा 5-4 का के अधीन मानी जाएगी। और सेकंड क्या है, न्यायालय की प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और उन्हें शक्तियां प्राप्त होगी जो अधिनियम की धारा 31 से उपबंधित 2, 3, 4 में विनिष्ट की गई है वो मानेगा। फोर्थ है, न्यायालय में ऐसे आदेश की अपील जो नागरिक संरक्षक को इस धारा के धारा 2 में वर्णित कार्यों में से किसी भी कार्य को करने की अनुज्ञा देने से इनकार करे उस न्यायालय में होगी, उस न्यायालय के निश्चितों को अपील मामूली तौर पर होती है, यानी कि वहीं पर उसकी जो भी वकील जो अपील करना चाहता है वो उसी न्यायालय में होगी जहां पर कहा गया है या फिर कोई गजट निकाल के कहा है राज्य ने कि इसकी जो अपील होगी वो यहाँ पर, तो वहीं पर उसकी अपील होगी। अब इसका सब क्लॉज 6 जो कहता है इस धारा में न्यायालय क्या होगा, न्यायालय कौन कौन से न्यायालय में, वही न्यायालय होगा नगर सिविल न्यायालय, ये ध्यान रखेगा ये भी हमारा जो मामला होगा ये हमारा सिविल के ही मामले होंगे, ये जो हम देख रहे हैं ये अधिकतर जहाँ पर क्रिमिनल के है वो मैं आपको बता दूंगी, पर यहाँ पर जो मामले जो भी वो होंगे वो सब सिविल के मामले चल रहे हैं, सिविल न्यायालय या जिला न्यायालय। और अतिपातीय अधिनियम 1890 की धारा 4 का में जो वर्णित होगा कि जो ये न्यायालय है उसी न्यायालय से अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता किसी स्थानीय सीमाओं के भीतर व स्थावर संपत्ति जिसके बारे में आवेदन किया गया है, यानी कि जो वो संपत्ति होगी वो उस जिला न्यायालय की अधिकारिता में होनी चाहिए। इसकी तो या जहां की स्थावर संपत्ति के एक से अधिक न्यायालय की अधिकारिता के भीतर हो वहां उस न्यायालय से विपरीत ऐसी स्थानीय सीमा की अधिकारिता उस संपत्ति का कोई भी प्रभाव स्थित हो, यानी कि अगर जो कोई भी संपत्ति ऐसी है कि एक संपत्ति तो उसकी किसी दूसरे जिला न्यायालय में और एक संपत्ति
जहां जहां उसके अधिकार थे, अगर जब किसी की आग ही किसी दूसरी जगह है तो वहीं के जिला न्यायालय में, और था उसकी जो संपत्ति है वो उसकी किसी दूसरे जिला न्यायालय के अधिकार का, तो उसकी जो वो होगा वो उसी जिला न्यायालय में जाएगा। तो एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं, इसमें क्या देख पढ़ा हमने कि जो वो संरक्षक होगा वो संरक्षक माइनर के तरफ से कोई भी किसी भी तरीके की संविदा नहीं करेगा, किस तरीके की कोई संविदा नहीं करेगा, ना कोई बंधक। उसकी जो संपत्ति होगी स्थावर संपत्ति होगी, ये ध्यान रखिएगा स्थावर संपत्ति की बात हो रही है यहाँ पर, स्थावर संपत्ति जो होगी ना तो उसकी कोई संविदा करेगा, ना बंधक यानी कि उसको मॉर्गेज करेगा, ना उसको पट्टे पे देगा, ना उसको विक्रय करेगा, कोई एक्सचेंज वगैरह कुछ नहीं कर सकता वो। और अगर करता भी है तो किस तरीके से, वो भी न्यायालय के आदेश से, अगर जो उसको ऐसा है वो भी किस तरीके से, अगर उस माइनर का हित है उसके हित के आधार पर तो वो कर सकता है, तब भी कितने साल के लिए, पहले चरण बताओ जो बच्चा छोटा है तो 5 साल के लिए, और जो बच्चा माइनर से मेजर होने लगा है यानी कि वो 18 साल का हो तब सिर्फ 1 साल के लिए। सही, हमने क्या कहा कि वही जो वो करेगा ये कुछ भी वर्क करेगा तो वो उसके हित के लिए करेगा, और अगर उसने इस तरीके की कोई भी गलत तरीके से कोई भी संविदा हो तो वो शून्यकरणी करा दी जाएगी। ये हमने पढ़ा है और जिला न्यायालय से रिलेटेड पढ़े कि कौन से उसमें अधिकारिता जो होगी उसकी, कौन से जिला न्यायालय की होगी जहां पर संपत्ति स्थित है उसी जिला न्यायालय के अधिकारिता में वो जो कोई भी अर्जी जाएगी, कोई भी आवेदन जाएगा, कोई विवाद पत्र जाएगा, वो सब वहीं पर जाएगा। और आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको इसमें समझ में आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।